अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कैसे सिखलाई, अल्लाहुम्मा मक्फीनी बी हलालिक वन हरामिक वागनेनी बी फजलिक अम्मन सिवा। अल्लाह के रसूल सल्लम ने दुआ दुआ के साथ, अभी ये भी याद बात याद रखे हमेशा कि दुआ के साथ कोशिश ज़रूरी है, सिर्फ दुआ से कभी भी कुछ नहीं होगा। जिस भी चीज़ के लिए आप कोशिश करेंगे साथ में और फिर दुआ करेंगे, कोशिश के साथ दुआ है, खाली दुआ से कुछ नहीं मिलेगा। और हमारे यही होता खाली, तो कोई लोग कहते थे दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना, तो हमारे दादा बीमार हैं तो हमें उनके लिए दुआ कर देना, तो अस्पताल ले जाओ, नहीं अस्पताल नहीं दुआ से काम चल रहा है ठीक हो जाएंगे, तो फिर थोड़ी ठीक होंगी क्या, पहले तो अस्पताल ले जाओ, अपनी कोशिशें करो, दवाई दिलाओ, फिर दुआ करें साथ। ये है, तो दुआ के साथ कोशिश हमेशा होनी चाहिए। ये यहाँ पर दुआ फरमाई अल्लाह के रसूल सल्लम की, अल्लाह मेरे लिए हराम से बचा के हलाल काफ़ी कर दे। ये काहे की दुआ है, ये कर्जदारों के कर्ज उतारने के लिए। इसको अगर कसरत से पड़ेगा तो कितना बड़ा भी कर्ज उतर जाएगा उसको, लेकिन छोड़ नहीं दे कि यार एक साल से पढ़ रहा हूँ कर्जा तो इतना का इतना और बढ़ता जा रहा, कंटिन्यूस पढ़ता रहे अल्लाह पे तवक्कल करके, यकीन करके, अल्लाह के उसने फरमाया तो होगा ही, कुछ देर लगेगी उसके अंदर लेकिन होगा। उसका तर्जुमा मेरे लिए हराम से बचा के हलाल काफ़ी कर दे और काफ़ी हो जा, काफ़ी होना ही गनी होता है, अल्लाह काफ़ी हो गया तो गनी हो गया, वही गनी होता है। लेकिन यह फरमाया कि मुझे अपने फजल से गनी कर दे। अब गनी कर दे मतलब ये नहीं कि बहुत सारी दौलत आ जाए। अब ये दुआ अजीब है, एक आई की है कर्जदारों के कर्ज उतारने के लिए, लेकिन इसके अंदर कर्ज के वर्ड ही नहीं है कि अल्लाह मेरा कर्ज उतार दे, मुझे कर्ज से निजात दे दे, वो है ही नहीं। इसमें तो ये फरमाया गया है कि अल्लाह मेरे लिए हराम से बच के हलाल मेरे लिए काफ़ी हो जाए और जो है अपने फजले से मुझे गनी कर दे। कर्ज की तो बात ही नहीं हो रही है, जब अल्लाह गनी कर देगा उसके फजले से तो कर्ज तो बचेगा ही नहीं। तो कसरत से ये पढ़िए दुआ, जिसको कर्ज है तो उसको कर्ज इंशाल्लाह जो है होगा। और ये अम्बियों अलैहिस्सलाम की जो दुआ होती थी अजीब होती थी, इसमें वो मीनिंग नहीं होती थी लेकिन उसके लिए दुआ होती थी, नहीं दुआ है। तो ये क्या है कि ज़रूरतें ख़त्म हो जाएंगी। और ये है कि फिर आगे ये फरमाया कि अम्मन सिवा, कि तेरे सिवा सबकी मोहताजी को ख़त्म कर दे, कि सिर्फ तेरा मोहताज रहूँ, किसी दुनिया में किसी का मोहताज नहीं। और जब ये दुआ करेगा तो फिर अल्लाह उस बंदे से खुश होगा कि सिर्फ मुझसे मांग रहा है किसी की मोहताजी, तो वो वाकई में आपको किसी का मोहताज नहीं लगेगा।